हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम कार्बोहाइड्रेट्स के क्वेश्चन जो गेट एग्जामिनेशन में आए हैं उनको एक बार देखते हैं और कैसे हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। पहला क्वेश्चन है मैच करना। अब सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन पर नज़र मारें तो एक बात तो क्लियर है कि इसको दो पार्ट में, ऑप्शन देखते ही दो पार्ट में आप डिवाइड कर लो। दैट सबसे सिंपलेस्ट ग्लिस्ट्रॉल दे रखा है, ग्लूटामिक एसिड दे रखा है, कर्डलिन दे रखा है और उसके साथ एम्फोथ्रेसिन भी दे रखा है। सबसे सिंपलेस्ट जो हम सॉल्व कर सकते हैं वो ये कि देखो कॉर्निबैक्टीरियम ग्लूटामिक हमसे, तो ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए। ये एक सिंपलेस्ट लॉजिक है। इसका मतलब Q का 1 होगा और Q का 1 होने का मतलब अब आपके पास ये दो ऑप्शन पीछे बच गए, दो ऑप्शन तो सीधे डिडक्ट हो गए। अब अगर क्यू का 1 है, ठीक है, दो ऑप्शंस में, अब पीछे दो ऑप्शन बचे हैं उस जिसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर ये आराम से, जैसा हम क्लास में डिस्कस हमने किया था, उस थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप आराम से कह सकते हैं कि ग्लिस्ट्रॉल किससे ऑप्टेन होता है। तो ग्लिस्ट्रॉल का बेस्ट जो सोर्स रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा था, क्लास में पढ़ा था, डुनलेलिया। अगर डुनलेलिया सेलिना अगर आपको याद है तो आप P को 3 कर सकते हो, और P को 3 करते तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। उसी तरीके से कर्डलन भी आपको याद होगा, अल्कलीजिनस पिकलिस से ऑप्टेन होता है, और एम्फोथेरेसिन बी किससे ऑप्टेन होगा, तो हमने पढ़ा था स्टेप्टोमाइसिस की कई सारी स्पीसीज है, वन ऑफ देम इज स्टेप्टोमाइसिस नोडोसिस जिससे ऑप्टेन होता है एम्फोथेरेसिन बी। तो अगर आपको याद है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सा फर्मेंटिव प्रोडक्ट बनता है, जैसा क्लास में पूरी लिस्ट बताई थी, उससे क्वेश्चंस बार बार गेट एग्जामिनेशंस के अंदर बनते हैं। देखो ये क्वेश्चन कितना सा है कि माल्टोस की हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बनेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले दिमाग के अंदर आना चाहिए कि माल्टोज होता क्या है। तो आपके दिमाग में आएगा कि माल्टोज एक डाइसैक्राइड है, ठीक है। डाइसैक्राइड तो उसमें कौन सी शुगर होती है, तो आपको याद आ जाएगा कि इसमें अल्फा 1,4 लिंक्ड डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। देयर आर 2 डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो अल्फा 1,4 से लिंक्ड है। इसका मतलब आपके पास एल ग्लूकोज तो होने से रहा। अब पीछे बचा कि क्या अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज, तो हाइड्रोलाइसिस करने पर आपके पास डी ग्लूकोज आएगा, और डी ग्लूकोज जब फ्री फॉर्म में, तो हमें पता है कि अल्फा एनोमेरिक फॉर्म भी होगी और बीटा एनोमेरिक फॉर्म भी होगी, क्योंकि न्यूटा रोटेशन होता है। और हमने तो यहां तक भी पढ़ा था कि लगभग 33% के आसपास अल्फा फॉर्म और 66% के आसपास बीटा फॉर्म होगी। तो इसलिए आंसर क्या होना चाहिए, इट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। देन क्वेश्चन नंबर 3, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहां पर होता है। तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मेनली ट्रांसजोमेट्री देता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको आसानी से डिग्रेड नहीं किया जाता। तो ऐसा होते ही आपके पास याद आ जाएगा कि आंसर क्या होना चाहिए, लैक्टोज और सेलुलोज, क्योंकि लैक्टोज के अंदर गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच में बीटा 1,4 बॉन्ड है। सेलुलोज जो सेलुलोज से डाइसैकेराइड यूनिट टूट कर अलग होती है, उसमें भी बीटा 1,4 लिंकेज। सुक्रोज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सुक्रोज के अंदर बॉन्डिंग अल्फा 1 बीटा 2 तरीके की होती है, माल्टोज में अल्फा 1,4 बॉन्डिंग होती है, सुक्रोज वापस हो नहीं सकता, माल्टोज में अल्फा 1,4 बॉन्डिंग ये हो नहीं सकता। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन को भी कार्बोहाइड्रेट से फर्मेंटिव प्रोडक्ट से क्वेश्चन आया जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। वापस मैंने कहा कि आप पास वो लिस्ट है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सा इंडस्ट्रियल फॉर प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है। अगर वो लिस्ट आप देखेंगे तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटोडिस लिखा है, तो ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटोडिस का तो डायरेक्ट एग्जांपल, हम डायरेक्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो डेक्स्ट्रन है। अगर ये हम ध्यान रखें तो पी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इतना P3 इसका मतलब Q4, इसके बेसिस तो डिसीजन हो नहीं रहा है। राइजोफस ओरेजे से, तो इसका अंदर लैक्टिक एसिड ही प्रोड्यूस होगा।
अब ग्लूटोबैक्टर सल्फोडेन से क्या बनेगा, तो ग्लूकोनोबैक्टर से सोर्बोज का प्रोडक्शन होता है, ये ध्यान में रहते, हमारा आर टू हो गया, पीछे एक ही बचा दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवेसिस, जिससे ऑप्टेन होता है विटामिन बी ट्वेल्व और कोबाल्टामिन, तो हमारे पास एस का हो गया वन, इसलिए आंसर हो गया इसका डी। सो वापस काम की बात यह है कि अगर आपको फर्मेंटिव प्रोडक्ट्स हैं, फर्मेंटिव प्रोडक्ट्स को अगर आपको करना है तो एक चार्ट जरूर प्रिपेयर कर लें कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंडस्ट्रियली इस्तेमाल होते हैं और उनसे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। ऐसा करने पर गेट के अंदर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके निकल आएंगे। बहुत छोटी सी मेहनत करनी है आपको कि माइक्रोब्स और उससे क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो रहे हैं। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।